दो बच्चे के लिए कह रहे हैं, हमारी मर्जी हम तो 6 बच्चे पैदा करें। मोदी जी अपनी माँ से पूछे उसने कितने बच्चे पैदा करे, मोदी जी अपनी दादी से पूछे उन्हें कितने बच्चे पैदा करे, अपने पीछे हमारे नहीं है मीडिया वाले उसके हैं, लेकिन मीडिया उसी की जो वो कहेगा वो मीडिया कहेगी, वो हमारी नहीं है मीडिया। कुछ इससे फायदा भी है या यूं नाटक बना के ले जाओगी? कुछ फायदा हो तो आगे बात करो, सुने मोदी सुनेगा? मोदी हमारी बात नहीं सुनने का। और बुरे दिन आ गए, जो हम पहले खा रहे थे ना वो भी गया, हाँ जो पहले खाना खा रहे थे वो भी गया। 60 रुपया किलो का भिंडी है, 60 रुपया किलो का घिया है, 60 रुपया हर, कोई कमी नहीं ना 60 से, खाएंगे कहाँ से, चटनी रोटी भी नहीं नसीब हो रही। सब कुछ तो मोदी जी लेके बैठ गए, झोला लेके आए थे और महल भर के निकलेंगे, जब तक उनका महल नहीं भरेगा जब तक मोदी जी नहीं जाएंगे। दोस्तों मैं हूँ करुणा नेशन मिरर से और आज हम आए हैं उत्तर पूर्वी इलाके में जो कि पड़ता है सीमापुरी विधानसभा में। सीमापुरी विधानसभा के वार्ड में हम लोग आए हैं जिस जो कि सुंदर नगरी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। हम लोग कई किताबों में भी पढ़ते आए हैं सुंदर नगरी के बारे में। तो आज हम लोग बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से और हम जानते हैं कि उनकी रसोई के अच्छे दिन आए या नहीं आए। तो मैं हम लोग आपसे ये जानना चाह रहे थे, नेशन मिरर का आपसे ये प्रश्न था कि रसोई के अच्छे दिन आए या नहीं आए। कई नेता और कई मंत्री ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए आए, इतने महंगाई हो रही है हर चीज़ की, तेल भी महंगा, चीनी भी महंगी और हर चीज़ महंगी आ रही, सिलेंडर भी महंगा हो गया। बताओ कहाँ है अच्छे दिन, कारोबार है नहीं, 2 साल से सब पीटे पड़े हैं, कारोबार है, जब कारोबार नहीं है कहाँ से सामान आए, कहाँ से खावे पीवे गरीब आदमी, बिल्कुल भी अच्छे दिन ना आए, क्या आ गए, हर चीज़ पे तो महंगाई हो रही है, सब्जी ये आलू हर चीज़ महंगे हैं। नहीं लेकिन सब लोग तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए, हमने तो अच्छे दिन में ये किया, हमने अच्छे दिन के लिए ये किया, तो अच्छे दिन आए या नहीं आए? फ्री राशन भी खूब मिल रहा है? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। क्यों अच्छे दिन क्यों नहीं आए, कहाँ आए बताओ, इतनी महंगाई में अच्छे दिन कहाँ आ जाएंगे, खाना पीने की तो मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है। हम लोगों की पेंशन आती है, कभी रुक के आती है, कभी 8-8 दिन परेशान होता है, 10-10 दिन पेंशन रुक के आती है। हाँ और हम लोग इतने परेशान हैं, उम्र के ताल्लुक, जब कोई हमें देगा नहीं तो आएगा कहाँ से, कहाँ से। और तुम कह रही पेंशन मिलते हैं और हमारे पास लड़की भी है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें किस तरीके से रखा जाएगा, राशन तो खाना ही है, कुछ नहीं है, दाल रोटी देना है तो काहे के अच्छे देना है, जो है सब कुछ रख लिया आप कहाँ अच्छे देना है, जिस पर चल रहे हैं ना इसका भी वो भाड़ा लेता है। मतलब आपका ये कहने का मतलब है जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं उसका भी टैक्स लिया जाता है, जाता है, तो उस टैक्स से ये लोग हम लोगों के लिए जो सहूलतें देते हैं क्या वो आपके लिए काफी नहीं है? अरे का काफी है, कारोबार नहीं है तो काय की काफी है भाई, कारोबार हो रहा बच्चों के पढ़ ना रहे, स्कूल ना खुल रहे, वहां सारी तो आग लगा दी, अब क्या रह गया, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, पूरे देश की बात कर। मैम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे आपकी रसोई के अच्छे दिन आए या नहीं आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? महंगाई बहुत हो रही है। कैसे महंगाई हो रही है, थोड़ा आप बता पाएंगे आपकी जो रसोई में आप लोग काम रहे नहीं, जो पहले काम थे वो काम है नहीं, मजदूर इंसान है और काम है नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, महंगाई अच्छे ज्यादा हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। तो काम के लिए हमने सुना कि अच्छे दिन तो इन्होंने लाने के लिए बहुत कुछ किया है और बुरे दिन आ गए, जो हम पहले खा रहे थे ना वो भी गया, हाँ जो पहले खाना खा रहे थे वो भी गया। आपके रसोई के अच्छे दिन आए या नहीं आए? अच्छे दिन आए बेटा, 60 रुपया किलो का भिंडी है, 60 रुपया किलो का घिया है, 60 रुपया हर, कोई कमी नहीं ना 60 से, खाएंगे कहाँ से, चटनी रोटी भी नहीं नसीब हो रही, काम नहीं ना, बीमार पड़े हैं नहीं, जब किसी काबिल क्या है। कुछ इससे फायदा भी है या यूं नाटक बना के ले जाओगी? कुछ फायदा हो तो आगे बात करो, सुने मोदी सुनेगा? मोदी हमारी बात नहीं सुनने का, जो किसान बैठे हैं 6 साल भर हो गए किसानों की नहीं सुनी, जो पढ़े लिखे MBA BA मजिस्ट्रेट डॉक्टर वकील बैठे उनकी नहीं सुनी, हम जैसे टुचपुंजियों की क्या सुनेगा? ये देश खाली कराओ, ये कराओ, वो कराओ, अब भी क्या होना रही जनता? यहाँ पर सवाल मीडिया पर उठ रहा है कि मीडिया दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, तो हम लोग तो जो सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों के विचार है हम लोग तो वही ला रहे हैं आपके सामने। मीडिया वाले उसके हैं, हमारे नहीं है मीडिया वाले उसके हैं। हम लोग जो है जो आप लोग बोलेंगे हम लोग वही से सब कुछ नहीं कह सकते, क्या कर रहे हो आप लोग भी हमें क्या पता, लेकिन मीडिया उसी की जो वो कहेगा वो
मीडिया कहेगी, वो हमारी नहीं है मीडिया। नहीं कह सकते मोदी का बच्चे है कहाँ है मोदी जो मोदी का मोदी का कुछ नहीं मोदी का नंगा मोदी का तीन तीन बच्चे एक साथ हो रहे हैं ना क्या करेगा योगी या जिनका बिल्कुल ही ना उन्हें क्या देगा उन्हें क्या उपहार देगा जिनका बिल्कुल ही बच्चे ना सब कुछ तो मोदी जी लेके बैठ गए झोला लेके आए थे और महल भर के निकलेंगे जब तक उनका महल नहीं भरेगा जब तक मोदी जी नहीं जाएंगे जब तक नहीं जाने वाले सारी पब्लिक को बर्बाद कर दिया दो दो बच्चे के लिए कह रहा है हमारी मर्जी हम तो छह बच्चे पैदा करें मोदी जी अपनी माँ से पूछे उसने कितने बच्चे पैदा करे मोदी जी अपनी दादी से पूछे उन्हें कितने बच्चे पैदा करें अपने पीछे परिवार देखो आज हमारे दो बच्चों के लिए बंदिश लगाई जा रही है ऊपर वाले से बढ़ेगा मैं नहीं बढ़े ऊपर वाले से ये ऊपर वाले की देन है कोई किसी का दिया नहीं खा रहा अपने बच्चे हम 50 पैदा कर हम अपने बच्चों को खुद मेहनत करके खिला रहे हैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो ये जो नया कानून लेके आए हैं जिसमें सिर्फ दो बच्चे हैं वो गलत है ये नया कानून बिल्कुल गलत है नहीं तो बहुत ज्यादा हो रही है जैसे कि आपने बताया कि भिंडी 60 रुपए किलो तो बाकी और सब चीजों का क्या और सब चीजों का यह आएगा कि भैया सभी चीज राशन मिलता है तो सड़ा गला है तेल नसीब नहीं होता हमारे घर में है तो वैसे भी बिल्कुल वो हद है कि बच्चे बीमार पड़े हैं कोई यही नहीं ना तो कहाँ से ले आएंगे कहीं इतना से ले आ के डाल दिए कहीं उतना ले आ के डाल दिया कोई चीज हो ही नहीं पाती। देखिए हम लोग यहाँ पर बात करने आए थे सुंदर नगरी के इलाके में इन्होंने कहा कि ये राशन का सामान राशन की जो चीजें होती है वो तो ये ले रहे हैं लेकिन वो राशन की चीजों में भी मतलब जो राशन है उसमें भी बहुत सारी चीजों में किसी में कंकर है किसी में कीड़े हैं तो इसके ऊपर भी एक गहन सोच आनी पड़ेगी क्योंकि टैक्सेस तो लिए जाते हैं पर वो टैक्सेस किस हिसाब से होते हैं। अरे बाबू जब खाली आटा ही थोड़ी ना खा लेंगे उसके लिए भी तो जरिया होना चाहिए या नहीं खाली आटे ही रोटी कौन खा लेगा जो महंगाई बढ़ाए हैं उनसे कोई पूछा है कि तुम घी में डुबो के खा रहे हो या कि रूखी रोटी खा रहे हो चटनी से तो चटनी का भी सामान तो कम से कम उसमें होना चाहिए ढंग का। आजकल तो चटनी का भी सामान बहुत महंगा हो गया है 40 रुपए नींबू 30 रुपए 25 रुपए 30 रुपए पा मिर्चे और 180 रुपए किलो तेल और नमक की थैली एक लेने चले जाओ तो पता कितने की दे रहे हैं 30 रुपए की और गेहूँ लेने जाते राशन में तो आते काले गले हुए बिल्कुल जो बीनते बीनते आंखें थक गई और राशन वालों के जिम आती तो देते ना जिम आती तो नहीं देते और इस महीने का राशन अभी तक नहीं मिला जो कहते 20 तारीख के बाद मिलेगा अभी राशन राशन एक नहीं मिला राशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ अभी तक राशन नहीं मिला हर राशन वाला अपनी मर्जी से राशन देता है और अपनी मर्जी तो बाकी धक्के दे दे के पीछे कर देते हैं पूरा देता है पूरा राशन नहीं देता पूरा जब भी होता है अपनी मर्जी दुकान खोलता है कभी पूरे महीने दुकान नहीं खोलता कभी 10 तारीख तक खोले कभी 5 तारीख तक खोले कभी 20 तारीख के बाद खोले तो 5 दिन खोली बंद कर दी कह राशन खत्म हो गया 5 दिन खोली जाती है राशन की दुकान हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेने के लिए सिर्फ बोला जाता है राशन की दुकान वालों को और उनको कोई टाइम भी नहीं बंधा हुआ है यहाँ पर सुंदर नगरी इलाके में ये बोला जा रहा है ये कि हमारा इतना सांस फूलता हम भाग नहीं चल सकते कुछ नहीं कर सकते हम लाइन में किस तरह खड़े हुए अब वहाँ सब्जी लेने जाएं तो हमारी गुंजाइश नहीं हमारा आदमी नहीं हम बेवा औरत हैं बच्चे हैं वो अपने अपने कमा खा रहे हैं तो हमें कौन देखेगा ठीक है हमें पेंशन मिलती है लेकिन उस पिल्सन पे हम 2500 में कितना खाएंगे दवाई करें मॉल की या क्या करें हम अस्पताल से दवाई मिल जाती थी तो हमें थोड़ा सहायता मिल जाती थी अब हम उसकी चटनी पीस के खाएं सब्जी बना के खाएं क्या नमक की रोटी खाएं क्या भूखे मरें अब बताइए हम उसमें क्या कर सकते हैं ये भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहिए आइए जानते हैं। अब देखो जिसका राशन मिल रहा है उसको तो फिर भी थोड़ा मिल रहा है और जिसका राशन कार्ड नहीं है वो कहाँ जाए ये बताओ ये भी बड़ी समस्या है जी जिनका राशन कार्ड नहीं है वो कहाँ जाए हम जाते हैं कोर्ट कचहरी अपने पर्चे लेके के राशन मतलब हमें मिलने लगे अब मतलब हमारा राशन कार्ड 6 साल बाद बनेगा 7 साल बाद बनेगा राशन कार्ड 6 साल बाद 7 साल बाद बनेगा 200 रुपए जमा कर दो और जाओ अब आराम से बैठो घर पे उसके बाद आगे पीछे कब कैसे क्यों होगा कुछ पता नहीं बस अब बताओ जिसका राशन है राशन मिल रहा है जिसका नहीं है आप ये बताओ वो कहाँ जाए किससे मांगे और कैसे खाए राशन कार्ड बनवाया 2015 में जमा करा था मैंने 2018 में चार साल के बाद में राशन कार्ड बना मेरा ना तो मोली खाया मैंने 4 साल के बाद में मेरे सुनवाई हुई पेंडिंग में बोलता रहा पेंडिंग में 4 साल में मेरा बन के आया 4 साल में राशन कार्ड बन रहा है उसके लिए बताइए आप उसके लिए क्या होना चाहिए ये बताइए महंगाई कहाँ किराएदार है वो कहाँ जाए
किराएदारों की भी बड़ी समस्या है जी। अगर हम खाएं, चलो हम चटनी से खा लेंगे, लेकिन हम कमरे का किराया दें या फिर हम 20 रुपए का आटा लाएं, 10 की दाल लाएं, 10 का तेल लाएं और फिर हम किराया दें, तो मतलब जिए या मरें। हमारी ये खैली खड़ी है, इससे बेच कर गली गली जाते हैं और बेच करके आते हैं। कभी बिक्री हो गई, कभी नहीं हुई, कभी 100 मिल गए तो कभी 200 मिल गए, कभी 150 मिल गए, कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। अब कहाँ से खाएंगे? इसमें रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं है, वो भटक रहे हैं, उन्हें और किराया दें, ऊपर से कहाँ से दें किराया, कहाँ से लाएंगे लड़के किराया? हमारे नौकरी नहीं, पढ़ लिया लिख लिया, बीए फाइनल कर लिया, सारा सब कुछ करा उसने, लेकिन नौकरी के लिए सब भटक जाते भाई नौकरी। आधार कार्ड के लिए जाते हम लोग तो कहते 500 रुपए लगेंगे, 200 रुपए लगेंगे, पहचान पत्र के लिए जाओ तो कहेंगे अभी नहीं बाद में आना, उसके लिए भी पैसे लगेंगे, टाइम लगेगा। अब बताओ जी कैसे करें, क्या करें? राशन लेने के लिए चले जाएं, राशन लेने चले जाएं तो बताओ जी गले सड़े होते हैं, उनमें आधे खराब निकलते हैं, आधे सब होते हैं, तुम गला गेहूं खाकर तुम वैसे बीमार हो जाएंगे। तो कम से कम हमारे लिए इतना तो हो जो राशन अच्छा मिले, राशन सही से मिल जाए तो हम लोग खा तो लें। राशन वाले तोलते तो कम है ही है, लेकिन ढंग का तो मिले। हाँ तो मैं एक एक राशन पे कम से कम 3 किलो कम हो जाती है, कम से कम है ना कि बराबर 3 किलो कम राशन उतरता है। कहीं से भी ले लो राशन, चावल लो या गेहूं लो। मेरे तो भैया देखो करने वाला कोई है ना आदमी है ना, 17 साल हो गए खत्म हुए, विधवा हूँ मैं तो, मेरा हाथ पैरों से चला नहीं जाता, मेरी टांगों से न चला जाता, जब चलती हूँ जब भी गिर जाती हूँ, 10 जगह से मेरे हाथ पैर टूटे पड़े हैं, बिल्कुल न चला फिरे जाता, कभी रीढ़ की हड्डी में चोट लगे, 2-3 दिन के टांगे टूटी पड़ी हैं, इतना इलाज कहाँ से करवा, वहाँ होना रहा सरकारी में। लॉकडाउन में काम तो बंद है, काम बंद है, लेकिन और बातें बंद नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन काम में पैसे तो नहीं बढ़ रहे बिल्कुल। और ये है कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, जैसे मतलब बेसहारे क्या कर सकती हैं बताओ, हमारा तो लड़का नहीं आदमी नहीं, हमारा तो कोई है ही नहीं। अब मेरे हस्बैंड है, उनकी एक आँख बिल्कुल ख़राब है, रोशनी बिल्कुल कम है, 3-व्हीलर चलाते हैं, नाइट में चलाते हैं, 3 घंटे काम करते हैं कुल आँख की वजह से, ना उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है, जो थोड़ी बहुत यहाँ बाहर से महंगी महंगी दवाई खा लेते हैं काम पे चले जाते हैं। अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं, अच्छे दिन तो भाई पहले जो है आप कितना कमा लेते थे, थोड़ा आइडिया बताएंगे कि आज के टाइम में आप एक दिन का कितना कमाई कर लेते हैं? अब क्या कमाई नहीं रही, वो कमाई थी वो अब है ही नहीं, कमाई बिल्कुल कमाई नहीं है, अब तो गुजर भर खाना पीना हो रहा है बस, कुछ नहीं है। और अच्छे दिन तो आई नहीं, जो कमाई हो रही थी वो भी अब उतनी नहीं हो रही है। मैं हूँ करुणा, नेशन मिरर से रिपोर्ट लेकर आई थी लोगों के दिल से। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।